फर्स्ट ईयर में भी है और ये पीएससी मन का भी एक आदमी है। आईपी एड्रेसिंग होती है यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाइज अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, यानी दो कंप्यूटर है तो तमाम कंप्यूटर्स का जो आईपी एड्रेस होता है वो हमेशा यूनिक होता है, यानी सेम नहीं होता। आईपी एड्रेसिंग को हम दो एड्रेसिंग में तकसीम करते हैं, सबसे पहले है फिजिकल एड्रेसिंग, दूसरी है लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग में क्या होता है, मैक एड्रेस होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है फिजिकल एड्रेस ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, पर ये हमें इस नेटवर्क के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता कि हमारे नेटवर्क की लोकेशन क्या है, और ये 48 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग में ये होता है कि हमें इंफॉर्मेशन होती है कि हमारा जो लोकेशन है नेटवर्क की वो किस जगह पर है और कहाँ पर है। जिस तरह मैं अगर किसी को कहूँ कि हमने मीनारे पाकिस्तान पे जाना है, तो आप कहीं पर भी बैठेंगे तो आप मीनारे पाकिस्तान पर पहुँच जाएंगे कि वो लाहौर में इस जगह पर है। तो ये लॉजिकल एड्रेसिंग है। आगे लॉजिकल एड्रेसिंग दो में तकसीम हो जाती है, IPv4 और IPv6। अब आजकल ये करंट यूज हो रही है, लेकिन जूं जूं रैपिड ग्रोथ हो रही है इंटरनेट की, तो ये भी मार्केट से आउट हो रही है, लेकिन अभी भी ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अब आईपी से क्या बनता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस जो कंप्यूटर कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं ऑन द नेटवर्क। अब ये प्रोटोकॉल नंबर असाइन कौन करता है, ये आईपी एड्रेस इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं IANA। 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस होता है जिसमें 4 ऑक्टेट्स होती हैं, यानी इसकी वैल्यू होती है 2A की पावर 256, यानी 0 से लेकर 255 तक। आईपी एड्रेस को हम ज़्यादातर डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, जिस तरह के ये लिखा हुआ है 192.168.30.0। अब ये एक ऑक्टेट है, इसको अगर हम बाइनरी में करेंगे तो ये एक बिट्स आएगा, और ये टोटल 32 बिट्स का लॉजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस हमेशा नेटवर्क आईपी और होस्ट आईपी को कंबाइन करके एक आईपी एड्रेस बनता है। आईपी एड्रेस को हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं क्लासेस में। हमारे पास 5 क्लासेस होती हैं। सबसे पहले है क्लास ए, ये आईपी एड्रेस शुरू होती है 1.00 से लेकर 126 तक, और ये सबसे बड़ी क्लास है। फिर क्लास बी यूज होती है, ये 128 से लेकर 191 तक, और ये मीडियम साइज क्लास है। उसके बाद क्लास सी, वो 192 से शुरू होती है और 223.255.255.0, और ये एक स्मॉल क्लास है। उसके बाद है क्लास डी, वो शुरू होती है 224 से लेकर 239 तक, और इसके बाद है क्लास ई जो यूज होती है 240 से 255 तक। अब हम बेसिकली जो क्लासेस यूज होती हैं वो ए बी और सी हैं। डी ई क्यों नहीं यूज होती, क्योंकि डी क्लास जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए यूज होती है, जहां पर हमें मल्टीटास्किंग रिक्वायर होती है। मल्टीटास्किंग होती क्या है कि आप सेम टाइम पर एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। जिस तरह आपने कंप्यूटर ओपन किया हुआ है, आप साथ ही मूवी देख रही हैं और साथ ही कोई टाइपिंग भी कर रही हैं, यानी आप सेम टाइम पर एक से ज़्यादा दो काम जब हो रहे हों तो उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। अब इसी तरह क्लास ई कैप के रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज होती है, यानी फ्यूचर यूज़ के लिए, तो इसलिए हम ये दो क्लासेस इतनी यूज़ नहीं करते, और ये वाली 3 क्लासेस का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है। अब देखें इसमें हमने 00 और 127 नहीं लिखा। अब क्यों नहीं लिखा, आपने भी नहीं पूछा कि ये मिस क्यों है, तो 00 और 127 ये भी क्लास ए का ही हिस्सा है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 00 आईपी एड्रेस किस क्लास का है, तो आपने कहना है कि ये क्लास ए है। क्यों क्लास ए है, अब ये देखें 0127 ये भी क्लास ए का ही पार्ट है प्रैक्टिकली, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये हमारे ही नेटवर्क की साइड पर ही होता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। इसमें जो 127 आईपी एड्रेस है, इसको हम लूप बैक एड्रेस कहते हैं। लूप बैक का मतलब है कि सेल्फ टेस्टिंग जो हम करते हैं कि हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा है, उसको हम लूप बैक एड्रेस कहते हैं। ये ट्रबल शूटिंग और नेटवर्क टेस्टिंग के दौर पर यूज होता है, या अगर आपने चेक करना है कि आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप CMD में जाएं, वहां पर पिन लिखें और ये आईपी एड्रेस दें। अगर तो रिप्लाई आ गया तो इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है
एड्रेस जो होता है वो शामिल होता है नेटवर्क आईडी और प्लस होस्ट आईडी। तो क्लास ए में जो 8 बिट्स होती हैं वो नेटवर्क आईडी की होती हैं और बाकी जो 16 बिट्स होती हैं वो होस्ट के लिए होती हैं क्लास ए में। इसी तरह क्लास बी में 2 ऑक्टेट जो होते हैं वो नेटवर्क के लिए होते हैं और 2 ऑक्टेट जो होते हैं वो होस्ट के लिए होते हैं यानी 16 16। अब इसी तरह क्लास सी है, इसमें 3 जो होते हैं वो नेटवर्क के लिए होते हैं और 8 होस्ट के लिए होता है। यानी अगर मैं कहूँ बाइनरी फॉर्म में तो 24 बिट्स नेटवर्क के लिए होती हैं और 8 बिट्स होस्ट के लिए होती हैं। नेटवर्क बिट को हमेशा 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और होस्ट बिट को हमेशा 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको कोई भी आईपी एड्रेस दिया जाए और आपको कहा जाए कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस आईपी क्लास का एड्रेस है? तो आपको फर्स्ट करें, ये कोई आईपी एड्रेस गिवन है तो आपने इसका सिर्फ पहला ऑब्जेक्ट देखना है। पहला ऑब्जेक्ट देख के फिर आपने देखना है कि ये 115 किस में लाई करता है। देखें 115 इस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो इसी तरह आपने बाकी बिट्स नहीं देखनी, आप सिर्फ उसका पहला ऑब्जेक्ट देखें और उसकी रेंज देखें किस क्लास में, तो वो उस क्लास का आईपी एड्रेस होगा। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन गिवन हो कि आपने उसका सबनेट मार्क्स निकालना है। सबनेट मार्क्स तो ये मैंने आपको बताया था, ये पता चल गया। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आईपी एड्रेस में ये चीज़ देखनी है कि ये किस क्लास का एड्रेस है। जब उस क्लास का पता चल जाए तो फिर आपने देखना है कि उसमें कितनी नेटवर्क बिट्स हैं और कितनी होस्ट बिट्स हैं। अब जिस तरह की ये क्लास ए का एड्रेस था, तो क्लास ए में 8 बिट जो होती है वो 8 बिट्स नेटवर्क के लिए होती हैं और बाकी बिट्स जो होती हैं वो होस्ट के लिए होती हैं। तो जो नेटवर्क बिट्स होंगी उनको 1 1 लिख दी, यानी 8 बिट्स 1 1 आ जाएंगी और बाकी सारी 0 0 आ जाएंगी। और 1 1 जो 8 बिट्स होती हैं ये 255 के बराबर होती हैं अगर हम इसको बाइनरी टू डेसिमल करें, और बाकी 0 0 इसी तरह आ जाएगा। तो ये आपका सब नेट मार्क्स आ जाएगा डेसिमल में, और ये आपका आ जाएगा बाइनरी फॉर्म में सबनेट मार्क्स। फिर बता रहा हूँ कि कोई भी क्लास देखने से पहले आपने उसका क्लास का आईपी एड्रेस देखने, आईपी एड्रेस देखने के बाद आपने उसकी नेटवर्क और होस्ट बिट्स देखनी है कि उसमें नेटवर्क बिट्स कितनी है, होस्ट बिट्स कितनी है। नेटवर्क को आपने 1 1 कर देना है और होस्ट को आपने 0 0 लिखना है। तो ये था आपका सबनेट मार्क्स निकालने का तरीका। अब अगर आपको कहा जाए कि एक आईपी एड्रेस गिवन हो और उसको हमने बाइनरी फॉर्म में लाने, तो सबसे पहले आप इस तरह के देखिए 2 के पावर 0 क्रॉस 1 2 1 के पावर, यानी ये आप 7 तक लिख लें क्योंकि हमारे पास 8 बिट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप लिख लें। इससे आपको आईपी एड्रेस बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आसानी होगी। अब हम ये एक एग्जांपल लेते हैं कि फर्स्ट के लिए हमारे पास आईपी एड्रेस गिवन है, ये आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट्स में गिवन है हमारे पास डेसिमल फॉर्म में। अब ये चीज हमने यहाँ से बना लिया, ये मैंने इधर दोबारा लिख दिया ये वाली चीज। अब आप देखें यहाँ पे 192 है, मैं किस दो नंबरों को ऐड करूँ तो 192 आता है। तो देखिए मैं 128 और 64 को ऐड करूँ तो 192 आएगा। इन दो बिट्स को 1 कर दें, बाकी तमाम को 0 कर दें। इसी तरह 168 है, इन दो बिट्स को 1 कर दें, बाकी तमाम को 0 कर दें। 32 है तो 32 को 1 कर दें, बाकी तमाम बिट 0 हो जाएगी और 0 में तो ये 0 रहेगी। और ये आपका सिंगल सिंगल सबका बाइनरी आ गया। और फिर इसको आप कंबाइन करके और साथ में ये डॉट के साथ लिख दें, ये आपका आईपी एड्रेस जो है डेसिमल फॉर्म से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था बहुत आसान सा तरीका आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करने का बाइनरी में। अब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि नेटवर्क आईडी फाइंड करें किसी भी आईपी एड्रेस की, ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड करें और उसका नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट, यानी हम एक आईपी पे आके कितने होस्ट लगा सकते हैं, तो इसका भी आसान सा तरीका है। अब ये एक एग्जांपल मैंने ली हुई है, सबसे पहला काम वही करना है आपने, ये पहला ऑब्जेक्ट देखें अभी किस क्लास का है। आपको पता चल गया होगा कि ये क्लास बी का है, आप ये लिखने की ये क्लास बी का है। अब आप ये देखें कि क्लास बी में कितने ऑब्जेक्ट्स जो थे वो नेटवर्क के लिए थे, तो 2 ऑब्जेक्ट्स नेटवर्क के लिए थे, बाकी 2 होस्ट के लिए थे। तो जो नेटवर्क के लिए होते हैं वो उसी तरह लिखते हैं और बाकी जो होस्ट बिट्स होती हैं उनको हम 0 0 कर देते हैं।
तो ये आपका आ जाता है नेटवर्क आईडी। इसी तरह आपको कहा जाए कि क्रॉस कॉन आईडी निकालने, तो सिंपल आपने क्या करना है, जहां आपने 0 0 किया था उसको मैक्सिमम वैल्यू साइन कर देनी है, यानी 255 255। अब कोई भी एड्रेस है आपने हमेशा होस्ट की जगह 255 255 कर देने, तो ये आपका क्रॉस कॉन आईडी आ जाता है। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ होस्ट यूजेबल होस्ट। यूजेबल होस्ट का मतलब है कि कितने हम उसके आईपी एड्रेस को आगे दे सकते हैं। तो अब ये इसका फार्मूला है, अब ये फार्मूला 2 पावर 16 कैसे आया, ये हमें पता है कि आईपी एड्रेस क्लास बी है। क्लास बी में नंबर ऑफ होस्ट के लिए कितनी बिट्स रिक्वायर होती हैं, 16 बिट्स जो होती हैं, तो नेटवर्क के लिए आईपी के लिए होती हैं, 16 बिट्स होस्ट के लिए होती हैं। तो ये हमने होस्ट फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 16 माइनस 2, तो ये आपके पास इतनी आईपी हम आगे दे सकते हैं। अब ये 2 क्यों किया, देखिए जो पहला आईपी का जो पहला एड्रेस होता है और एक आईपी एड्रेस होता है, यानी नेटवर्क आईडी का एक पहला नेटवर्क आईडी का पहला पार्ट और क्रॉस कॉन आईडी का लास्ट अपडेट, ये हम यूज नहीं करते, ये स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व हो जाते हैं। जिस तरह एक आम से एग्जांपल दूं कि एक एफएससी है उसके नीचे डिफरेंट ब्रांचेज हैं, यानी आप उसके अंदर प्री इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं, प्री मेडिकल भी पढ़ रहे हैं, आईसीएस भी पढ़ रहे हैं, तो एफएससी जो है वो एक रिजर्व हो गई है, तो एक क्लास इसीलिए होता उसी के अंदर काम है, इसकी वजह से हम ये 2 माइनस करते हैं। और ये हमेशा जब भी आप यूजेबल होस्ट निकालेंगे ये आपने 2 को माइनस करना है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट, तो फिर आपने 2 की पावर 16 ही लिखना है, फिर 2 माइनस नहीं होगा। अब ये था क्लास बी का। अब आपको कोई भी आईपी दे दी जाए, लेट अस सपोज के अंदर आपको क्लास सी की आईपी एड्रेस दे दी है, तो फिर यहाँ पर 2 की पावर 8 होगी, क्योंकि क्लास सी में जो होस्ट के लिए बिट्स होती हैं वो 8 होती हैं। तो इसी तरह अब आपने ये क्लासेस की रेंज पढ़ी, इन क्लासेस में कुछ आईपी एड्रेस ऐसे होते हैं जिनको हम प्राइवेट आईपीज के तौर पर यूज करते हैं। प्राइवेट आईपीज मतलब फॉर स्पेशल पर्पस, जिसमें क्लास ए में 10.0.0.0, क्लास बी में 172.16.0.0, और ये इसकी रेंज होती है 172 से 31 तक। इसी तरह क्लास सी में होती है 192.0.0, यानी ये सारे थे प्राइवेट आईपीज। उम्मीद है आपको ये टॉपिक आईपी एड्रेसिंग समझ आई होगी, तो नीचे कमेंट में आप बताइएगा अपने ख्याल का इजहार किए जा। इसलिए खुदा हाफिज़।